के बारे में बताता हूँ। सो जनरल परवेज मुशर्रफ इशू ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। परवेज मुशर्रफ जब गद्दी पर बैठे तो उन्होंने क्या किया, एक ऑर्डर दिया कि जो आर्मी का जनरल होगा, लेड अ मिलिट्री कूप, लेड अ मिलिट्री कूप। इन पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान में कब इन्होंने मिलिट्री शासन लगाया, 1999 में लगाया कि 2000 में वो आए, 2000, ये MCQ है, और 2003। सो जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में उन्होंने PM को हटा के कब अपना रूल किया, एनी आइडिया? सो इट इज 1999। विच वॉट मोटिव, विद वॉट मोटिव डिड जनरल परवेज मुशर्रफ इशू ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर? विद वॉट मोटिव उन्होंने क्या, लेट लेड ए मिलिट्री कूप, उन्होंने मिलिट्री कूप को कहाँ भेजा, प्रेसिडेंट के और सबको अंडर अरेस्ट कर लिया, तो उन्होंने ऐसा कब किया, मिलिट्री कूप को पाकिस्तान में कब भेजा और कब फिर अपने हाथ में रूलिंग ले ली 1999 में? विद वॉट मोटिव डिड जनरल परवेज मुशर्रफ इशू अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इन अगस्त? फिर जब वो शासन में आ गए तो अगस्त 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क उन्होंने प्रस्तुत किया, यानी एक नया नया बिल पास करवाया। बोलिए। टू एनहेंस द डिग्निटी ऑफ पाकिस्तान सिटीजन, क्या इसलिए उन्होंने कराया कि पाकिस्तान सिटीजन की लोगों का डिग्निटी बढ़ जाए, सम्मान बढ़ जाए? क्या टू एम्पावर हिमसेल्फ, या टू एम्पावर हिज सपोर्टर्स, या टू एमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? टू एमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में बदलाव ऑफ पाकिस्तान। तो किस लिए उन्होंने ये ऑर्डर प्रस्तुत किया, लीगल फ्रेमवर्क? इट वॉज डन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कि अब आगे से जो मिलिट्री कूप होगा उसका जो ये जो मिलिट्री होगी उसका जो लीडर होगा वही पाकिस्तान का राष्ट्राध्यक्ष होगा। जब संविधान ही बदल देंगे तो क्या होगा, फिर उनका जो वो है वो लीगल हो जाएगा रूलिंग। तो उन्होंने अपने रूलिंग को लीगलाइज कर दिया। इलेक्शंस आर हेल्ड इन चाइना, कितने सालों में चाइना में इलेक्शन होता है? इलेक्शंस आर हेल्ड इन चाइना आफ्टर एवरी 1 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर।
कितने सालों में होता है? 5 ईयर, जैसे हमारे यहाँ है वैसे उनके यहाँ भी है, 5 सालों में ही इलेक्शन होता है। नाउ 5 साल में होगा, लेकिन एक ही पार्टी है तो उसी पार्टी को चुनना है, फिर पार्टी जिसको चुन ले है, बस मेंबर बदल जाएगा, उसी पार्टी का कोई रूलर रहेगा। वैसे तो जो वहाँ का इस समय प्रेसिडेंट है तो वही अपने आप को डोमिनेट करता है, उसके बहुत सारे सपोर्टर्स रहते हैं तो वही चुन लिया भी जाता है। चाइना में एक ही होता है। वॉट इज द डेजिग्नेशन ऑफ हेड ऑफ चाइना? भी आएगा तो बता देंगे। वॉट इज द नेम ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ हेड ऑफ चाइना? तो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ही है, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम है पूरा। वॉट डज ए कैंडिडेट नीड बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन इन चाइना? सो वॉट डज अ कैंडिडेट, कैंडिडेट को क्या चाहिए? कैंडिडेट कोई गेस कर सकता है? नीड ऐसे ही गेस करो, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन चाइना, चाइना जब आपने देखा था सीरिया में डेमोक्रेसी जा रही थी तो उसको किस पे साइन करना पड़ा था एक कार्टून में? तो उसको उस पार्टी का बनना पड़ेगा ना, या उसका एलाइड बनना पड़ेगा। तो अप्रूवल ऑफ एटलीस्ट 2 बिग पॉलिटिकल पार्टीज पहला है, एटलीस्ट 2 बिग पॉलिटिकल पार्टीज, या अप्रूवल ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस, अप्रूवल ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस, या अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। या अप्रूवल ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप किसे सही मानेंगे? तो सी, तो बोलो ये कोई डेमोक्रेसी हुई कि एक एक पार्टी से आप अप्रूवल ले रहे हो? I think it is not a kind of democracy, क्योंकि किसी पार्टी से अप्रूवल लेना ना, अभी ठीक है? ओके, अभी क्लियर है? यस सर, नाउ अब देखो, इन विच कंट्री इज इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी एक्टिव? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ये पार्टी कहाँ पर है? मैक्सिको, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और चाइना।
तो ये कहाँ पर एक्टिव है? इट मैक्सिको, मैक्सिको का हम आपको मैप में दिखा देते हैं, मैक्सिको कहाँ पर है। मैक्सिको इन वर्ल्ड्स मैप नाउ, इसकी लोकेशन आप देख geology.com, लो। Mexico map of cities and roads. इट Mexico is इज located in मैक्सिको, North America. तो Mexico नॉर्थ is अमेरिका में bordered आप by the मैक्सिको Pacific देख लो, Ocean, the दिखाई पड़ Caribbean रहा है। Sea, and the Gulf of Mexico. The United States is to the तो north and यहाँ Belize and Guatemala पर are to the कौन south. सी पार्टी है? दैट इज इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट नीड डिनाई इक्वल राइट टू वोट? सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट डिनाई, यानी दे असर्ट फॉर इक्वल राइट्स ऑफ वोट। फोर्थ में इलेक्शन कमीशन, कंटेस्टिंग, कंटेस्टिंग का मतलब चुनाव लड़ना, कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन चाइना। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट डिनाई इक्वल राइट टू वोट? तो सऊदी अरेबिया, क्या सऊदी अरेबिया में जो भी मेल एंड फीमेल है दोनों को इक्वल राइट्स हैं कि वो डिनाई करता है? अरेबिया तो ये तो डिनाई कर देता है। और इसी तरीके से फिजी, फिजी भी एक मुस्लिम कंट्री है। फिर एस्टोनिया और सी इन और डी है इंडिया। तो कहाँ पे बोलो, इंडिया है कि नहीं? वी डज नॉट डिनाई, हम डिनाई नहीं, मना नहीं करते हैं कि इक्वल राइट टू वोट, डिनाई इक्वल राइट टू वोट, इक्वल राइट टू वोट। नाउ व्हाट इज पिक्यूलियर विद, व्हाट इज पिक्यूलियर विद जानू पी एफ? जानू पी एफ, व्हाट डज इट मीन बाय जानू पी एफ? सो जानू पी एफ According नाउ, to Wikipedia, the Zimbabwe African जिम्बाब्वे National अफ्रीकन Union, नेशनल patriotic यूनियन, front, is a political organization which has पॉलिटिकल been the ruling पार्टी, party of Zimbabwe since independence in 1980. पेट्रियोटिक फ्रंट। जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन, इसका मतलब क्या है? जिम्बाब्वे, ये जिम्बाब्वे की एक पार्टी है जानू पीएफ, जिम्बाब्वे अफ्रीकन, हाँ, नेशनल यूनियन, नेशनल यूनियन पेट्रियोटिक फ्रंट। उसने अपना नाम रखा है कि देशभक्त पार्टी। तो उसमें क्या पिक्यूलियर है, इसके बारे में क्या खास बात है? पहली बात पूछी जा रही है, इट हैज़ नेवर वन एनी इलेक्शन, इट हैज़ नेवर वन एनी इलेक्शन, इट हैज ऑलवेज वन इलेक्शन, और तीसरी चीज कि इट इज ए वन मैन पार्टी। और चौथी, इट इज द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। इट इज द, क्या हो सकता है? पार्टी इन द वर्ल्ड। सो
दिस इज इट हैज ऑलवेज वन इलेक्शन, ये हमेशा चुनाव जीती है, ये खास बात है, क्योंकि बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के देखा जाए तो बीजेपी है वर्ल्ड में, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा मेंबर्स हो गए हैं अभी भारत की, और जानू पीएफ ने हमेशा चुनाव जीते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द कंट्री इज नॉन डेमोक्रेटिक, कौन सा ऐसा कंट्री है जो डेमोक्रेटिक नहीं है? नाउ विच ऑफ द कंट्री इज नॉन डेमोक्रेटिक, दैट इज इंडिया, चाइना, यूएसए, नेपाल। सो जो नॉन डेमोक्रेटिक हो वो बताओ ना। नेपाल अभी उसमें हो गया है ना, इसमें चाइना दिया है, चाइना नॉन डेमोक्रेटिक है, उसमें सिंगल पार्टी रूल है ना। वो इट इज नॉट ए कंप्लीट डेमोक्रेसी बिकॉज इट इज वन पार्टी रूल, तो वन पार्टी सिस्टम है, उसको फुल डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। और अभी आपने देखा उसमें प्रियोर परमिशन भी लेनी पड़ती है। सो पिक्यूलियर, क्या खास बात है, व्हाट इज पिक्यूलियर? सो विच रीजन इज अकाउंटेबल, 3 करोड़ लोग चाइना में मर गए थे, आपको मालूम है मैंने गौरैया की कहानी बताई थी कि जो वहाँ की माओ सरकार थी उस, है? तो क्या रीजन था, विच, हाँ विच रीजन इज अकाउंटेबल? हाँ 58 में हुआ था, रीजन इज अकाउंटेबल फॉर डेथ ऑफ, फॉर डेथ ऑफ नियरली 3 करोड़ पीपल, नियरली 3, अच्छा 3 करोड़ पीपल इन चाइना फेमाइन, चाइना में अनाज की कमी पड़ गई, अकाल पड़ गया था, फेमाइन आ गया था, इन 1958 से 61, तो क्या रीजंस रहे होंगे? एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी थी क्या? एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी या प्रेजेंस ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि कोई विपक्षी पार्टी है ही नहीं, कोई जब अपोजिशन होगा नहीं तो क्या हालत होगी बताओ किसी भी देश की, कुछ भी कोई करे कौन रोकेगा? वीक इकोनॉमिक सेटअप, और गवर्नमेंट्स नेग्लिजेंस, क्या आंसर हो सकता है अनुराग? ए हो सकता है, आपको लगता है कि ए होगा, तो ए करेक्ट आंसर है, एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, इस ये हटा दें। हाँ यही बात है। सो नाउ नहीं हुआ क्योंकि अपोजिशन पार्टी होगी तो रोक देगी कि ऐसे मत करो कुछ भी करने के लिए। सो व्हाट वाज द लीगल फ्रेम वर्क ऑर्डर इशूड बाय जनरल परवेज मुशर्रफ, व्हाट वाज द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशूड बाय जनरल परवेज मुशर्रफ? सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर जो कि 2002 में इशू हुआ, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज,
जो वो तो प्रेसिडेंट बन ही गया था। बोलो बोलो माई, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द, थोड़ा तेज बोला करो, नेशनल और एमसीक्यू नहीं है, प्रोविंशियल, ये वन मार्क क्वेश्चन है। देखो अब परवेज मुशर्रफ क्या कहीं की सरकार को डिसमिस कर सकता था, कहीं भी विधानसभा की? जैसे अगर मोदी को ये अधिकार मिल जाए, ये प्रेसिडेंट हमारे यहाँ के जो भी हैं रामनाथ कोविंद, की कहीं की भी वो सरकार को डिसमिस कर दें और फिर अपने हाथ में रूलिंग ले लें, तो क्या ये डेमोक्रेटिक रहेगा? तो ऐसा उन्होंने किया था। व्हाट इज नेम ऑफ चाइनीज पार्लियामेंट? टू थाउजेंड टू में किया था उन्होंने ये, कब ये ऑर्डर इशू किया है? सो नेम ऑफ चाइनीज पार्लियामेंट बताओ क्या है? नाउ इट इज नेशनल, नेशनल पीपल कांग्रेस। उस पार्लियामेंट का नाम, पार्टी का नाम नहीं बताया गया है, पार्टी तो वहाँ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, जैसे हमारे पार्लियामेंट का नाम संसद भवन है, तो उस पार्लियामेंट का भी तो नाम होगा जिसमें लोग बैठते होंगे, जैसे जैसे जर्मनी में है तो उसका नाम रीच स्टैग है, सो इंडिया में क्या नाम है? संसद भवन, संसद भवन। फ्रांस जर्मनी में क्या है? रीच स्टैग, उस बिल्डिंग का नाम। तो इसी तरीके से नेशनल पीपल्स कांग्रेस, तो जो लोग वहाँ बैठते हैं उसका भी नाम होता है। अब वैसे तो जो नेशनल कम्युनिस्ट, क्या जिसका चाइनीज में हो सकता है, अब इसमें तो यही है। कैन यू कॉल चाइना ए डेमोक्रेटिक कंट्री? इन चाइना इलेक्शंस, सो इन चाइना, ठीक है, इलेक्शंस डू नॉट ऑफर, इलेक्शन डू नॉट ऑफर पीपल एनी सीरियस चॉइस, लोगों को कुछ चुनने के लिए रहता ही नहीं है, ना कोई पार्टी है सीरियस चॉइस, इस वजह से दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी, और वो उससे नाराज भी रहते हैं फिर भी उसी को चुनना पड़ता है, दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी। एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट, या फिर उसने जिसको अप्रूव किया है, कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट, तो इसलिए सो चाइना इज नॉन डेमोक्रेटिक। रूलिंग पार्टी में ही चुनना पड़ जाए, अगर मैं आपसे कहूं कि मोदी को चुनो या अमित शाह को, तो ऐसे में लोग पसंद करेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ की डेमोक्रेसी को, बोलो, बहुत सारे लोग कभी मोदी को वोट ही नहीं देते, तो वो पसंद ही नहीं करेंगे, वो तो किसी और को चाहते हैं। हाउ कैन यू से दैट मैक्सिको वॉज ए नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री टिल 2000? हाउ कैन यू से दैट मैक्सिको वॉज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री? Till 2000,
2000 तक ये डेमोक्रेटिक नहीं था, आप इस बात का कैसे पुष्टि करेंगे? पीपल हैड नो चॉइस, देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड, इवन पीपल वर अगेंस्ट इट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन. ये बिल्कुल सही बात आपने कही, दैट इज इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी. तो क्या चीज क्या लगा सकते हैं? हाँ यही चीज है, गलत तरीके से जीत दे, बाई फाउल मीन्स दे वर विनिंग. सो अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वन बाई दैट इज पी आर आई, that is people's revolutionary party, that is institutional revolutionary party, ऐसे नाम है. इंस्टी मैक्सिको की है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी. ठीक है, अपोजिशन पार्टी नेवर मैनेज टू विन. Never managed to win. So it was a non-democratic. It was a non-democratic ethic. ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि ruling party, ethic का मतलब भावना, तो रूलिंग पार्टी ही जीतती रहे, उसमें कुछ तो गलतियां होती होंगी, तो कभी ना कभी तो जनता अपोजिशन को भी चांस देगी. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट एक्सप्लेन. होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड, सिर्फ इलेक्शन करा देना यही पर्याप्त नहीं है. इज नॉट सफिशियंट एक्सप्लेन, इसको व्याख्या करिए. द इलेक्शंस मस्ट ऑफर ए रियल चॉइस, कि जो रूलिंग पार्टी है उसको हटाने का भी लोगों के पास अगर कोई ऑप्शन होगा तो ही अच्छा है. द इलेक्शंस मस्ट, देखो गवर्नमेंट में अगर उसके जो सपोर्टिंग पार्टी हैं वो अपना उससे सपोर्ट हटा लें और उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं हो. कभी जैसे भी ऐसे होता है कि एक एलाइड गवर्नमेंट बनती है, हैं हटने, मान लो उसका बहुमत किसी तरीके से खो जाए मेजॉरिटी, तो जो उसकी सपोर्टिंग पार्टी हैं वो अपने सपोर्ट खींच लें तो गवर्नमेंट गिर जाएगी और दूसरा कोई सरकार ना बना सके. तो जितनी टोटल सीट्स होती हैं, जैसे 546 हैं लोकसभा में, तो उसमें उसको जस्ट हाफ से एक ज़्यादा सीट चाहिए. अगर कोई इतनी नहीं जीत पाता है तो फिर वो हट तो तब सकता है कि मान लो जैसे अभी बीजेपी को क्या है, आर्मी तो नहीं, वो तो नॉन डेमोक्रेटिक चीज़ हो गई कि आप वो गलत तरीका हो गया. लेकिन मान लो सपोर्टर पार्टी जो है वो अपना सपोर्ट खींच ले और उसकी आधे से कम सीटें हो जाएं, जैसे एनडीए गवर्नमेंट है तो एनडीए में बहुत सारे ऐसे घटक दल हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, अगर वो सारे के सारे लोग, जैसे जेडीयू है बिहार में नीतीश कुमार, जानते हो उनके पार्टी के जितने मेंबर हैं वो भी सेंटर में भी कुछ जीत के आए हैं, तो वो मोदी को सपोर्ट करते हैं. अगर वो उनसे कह दें कि अब सपोर्ट मत करो, तो ऐसे सारे लोग बोल रहे हैं एनडीए के सारे लोग कि बीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो फिर वो ये हट जाएगी. लेकिन बात ये है कि 546 में 286 तो अकेली बीजेपी की है, उसको ऑलरेडी पूर्ण बहुमत है, तो सपोर्टर पार्टी अगर चाहे भी अपना खींच ले हाथ तो भी वो हारेगी नहीं.
सो 286 तो मोर देन हाफ है, तो उसकी मेजॉरिटी बीजेपी की पहले से ही है, उसे किसी सपोर्टर की जरूरत नहीं थी। हाँ तो वैसे अगर कभी भी कभी ऐसा हो कि मान लो सपोर्टर से कोई सरकार बने, तो बहुत बार गिर जाती कहीं कहीं की सरकार। अभी आपने एमपी में नहीं देखा कि कुछ पार्टी के मेंबर्स कांग्रेस के आ गए बीजेपी की तरफ, उनकी गिर गई, बीजेपी की बन गई। अब शिवराज सिंह पाटिल है वहाँ पे, तो सरकारें हट जाती हैं अपने आप। अगर मेंबर्स हट जाएं, एक पार्टी के हट जाएं, इधर उधर आ जाएं, तो फिर हट जाती है। तो होल्डिंग इलेक्शंस क्या सफिशियंट हैं? द इलेक्शंस मस्ट ऑफर ए रियल चॉइस, ठीक है, बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स, सो एंड इट शुड बी पॉसिबल। सो ये रियल चॉइस, इफ पीपल हैव ए पावर टू रिमूव द करेंट रूलिंग पार्टी देन ओनली ये इलेक्शन इज मीनिंगफुल। इफ पीपल हैव पावर टू रिमूव ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जितने भी इलेक्टेड हैं, एक दो को नहीं सभी को हटा सके, सबके खिलाफ वोटिंग कर दे, सब हट जाएं, तब तो कहा जाएगा ना कि डेमोक्रेसी है। देन ओनली इलेक्शंस आर मीनिंगफुल। अगर करना चाहे तो, अगर मतलब पीपल के हाथ में पावर रहनी चाहिए, बाकी वो करे या ना करे। सो इलेक्शंस पावर क्या है? वोटिंग की है, चाहे सबको हटा दे। तो कांग्रेस की दो सीटें रह गई थी किसके पास? पावर टू रिमूव, पावर टू रिमूव ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अगर उसके पास इतनी पावर है कि जितने लोगों को उसने चुन के भेजा है, अगर वो उनसे नाराज हो जाए और सबको हटाने का भी पावर हो, तब तो इलेक्शंस मीनिंगफुल कहे जाएंगे कि नहीं? देन ओनली इलेक्शंस आर सेड मीनिंगफुल, इज सेड मीनिंगफुल। नाउ नाउ इन विच कंट्री वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट? सो कहां पे ऐसा होगा? माई आपकी आवाज धीमी है। सो सऊदी अरेबिया, हाँ पाकिस्तान में तो है। सर आपने वो पढ़ाया था, तो नहीं था। उसमें नहीं था, लेकिन अब तो आ गया ना, वो तो पहले था, तो हिस्ट्री में पहले नहीं था ना, वो बहुत पहले की है, 1870 से पहले की बात है, अभी की बात है ना, सिविक्स तो अभी की बात करती है, अभी जहाँ जहाँ पे है। अभी तो नेपाल में हो गया, तो नेपाल में ही अभी की बात करेगी कि नहीं? हिस्ट्री पहले की बात करती है। So, what do you know about election system in Fiji? Know about election system in Fiji? Fiji देखो कि Fiji कहाँ पर है map में? Fiji in map. Showing pictures that match. Now, so let us see ये फिजी कहाँ पर पड़ेगा। ये बहुत छोटा सा देश है और किसके पास है? देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के पास है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सी से ढका, बिल्कुल एक आइलैंड टाइप ही है ये तो। सो
तो फिजी, नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट इलेक्शन सिस्टम इन फिजी, वहाँ क्या खास बात आपको लगती है? इन फिजी इलेक्शन सिस्टम इज सच दैट दैट वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन इंडियन फिजियन, जो दूसरे देश का लोग रह रहा है उसके वोट की कम वैल्यू है, जो वहाँ के लोकल निवासी उनकी ज़्यादा वैल्यू है वोट की, इन ऐसा कहीं और नहीं है। मतलब यहाँ से कोई गया वहाँ पर रहने और उसने वोटिंग राइट ले लिया, तो मतलब वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ भी हैं तो कई बाहर से आके बस जाते हैं, उनको नागरिकता मिल जाती है, तो लेकिन जो यहाँ के नेटिव सिटीजन्स हैं जो पहले से रह रहे हैं उनके वोट की अगर ज़्यादा वैल्यू कर दी जाए, और जो बाहर से आए हैं जिनको नागरिकता मिल गई, जैसे कभी शादी करके कोई जाता है अमेरिका से, शादी करके कोई यहाँ आए उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन उसके वोट की वैल्यू आधी हो, और जो यहाँ से जो यहाँ रह रहा है उसका हस्बैंड, हमारे यहाँ तो सबकी इक्वल वोट की वैल्यू है, लेकिन फिजी में ऐसा नहीं है। फिजी में वहाँ का जो नेटिव फिजियन है उसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा है, और जो बाहर से आया है किसी रीजन वश तो उसके वोट की वैल्यू आधी है। इन फिजी द इलेक्शन सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम इज सच दैट, क्या ये चीज़ अच्छी रहेगी कि उनके मन में फिर फीलिंग आती जाएगी, फिर एक कॉम्प्लेक्स आ जाएगा ना, मतलब होगा क्या, एक कॉम्प्लेक्स आ जाएगा उनके अंदर, सो दैट द वोट ऑफ जो नेटिव फिजियन है, नेटिव फिजियन has more value than any Indian Fijian, India से अगर कोई गया, वो लोग कहते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं उन्हीं को ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, बाहर से जो आएगा मैरिज करके या कुछ करके हम उसको वैल्यू नहीं देते हैं। तो जैसे अलग अलग जगह के कंस्टिट्यूशन हैं तो कहीं कहीं गलत कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गए हैं, हमारे यहाँ बहुत सोच समझकर गांधी जी ने इसमें इन्वॉल्वमेंट लेके बनाया है, इसलिए अभी तक कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन हमको बहुत सारी चीज़ों से बचा ले गया है। आपको मालूम है अयोध्या में राम मंदिर टूटा था, ये बाबरी मस्जिद, उस समय भी ऐसे खतरनाक मोड़ भी आए हैं हमारे देश में और कॉन्स्टिट्यूशन बचा ले गया, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें लोग भरोसा जता लेते हैं कि हम तुमसे लड़ेंगे, तुमको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, देखेंगे कि क्या कर पाते हो, तो लोगों का इतना भरोसा है कॉन्स्टिट्यूशन पर कि हम लोगों में कभी भी गृह युद्ध की स्थिति नहीं आई। ओवर द ईयर्स, मतलब कि अंदर ही अंदर देश में अलग अलग रिलीजन के लोग एक दूसरे को मारने काटने लग जाएं, ऐसा जब हमारे यहाँ डिवीजन हुआ था, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब वैसी स्थिति आ गई थी कि लोग दूसरे के घर में जाके मार के आ जाते थे, बहुत ज़्यादा ही हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा सिविल वार नहीं हुआ जैसा, हाँ खूब मारकाट हुई, लाखों लोग मारे गए, ऐसे ही जा जा के मार के आ जाते थे। तो जो भी है, हमारे नाना भी बताते हैं कि उनके आस पास पड़ोस वाले लोग जा जा के मार मार के आए थे, तो ऐसा वो कहानी बताते हैं कि वो फ्री था और कई लोग उनके भी मारे गए, तो उस समय कोई सिस्टम नहीं था तो ये चला। Over the years, President Mugabe's government in Zimbabwe has changed the constitution several times. क्यों? Over the years, President Mugabe's government, President Mugabe आपको मालूम है 90 साल तक वहाँ के प्रेसिडेंट रहे, प्रेसिडेंट, और इतने करप्ट गवर्नमेंट रहे फिर भी बड़ी इज्जत से अभी 2 साल पहले उन्हें हटाया गया। President Mugabe, हटाना ही पड़ा, लेकिन उन्होंने शुरू में तो बहुत सारा कुछ किया जिम्बाब्वे के लिए, बड़े फ्रीडम फाइटिंग की, जिम्बाब्वे को आज़ादी दिलाई, फिर प्रेसिडेंट बनाया गया, तो शुरू शुरू में बहुत अच्छे रहे तो लोग उनका काफ़ी सम्मान करते रहे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनकी पार्टी करप्ट होती गई तो लोग चाहते थे ये हट जाएँ,
अब उन सब लोगों ने रिक्वेस्ट की कि यू जो भी आपने संविधान में बदलाव करके वो अपने पावर लेते रहे, फिर लेकिन हटाना पड़ा। ओवर द ईयर सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। प्रेसिडेंट मुगाबे, अभी दिखा रहा हूँ आपको इनकी फोटो, मुगाबेज गवर्नमेंट इन जिम्बाब्वे, अफ्रीका में है जिम्बाब्वे, साउथ में। सो इन जिम्बाब्वे हैज चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स। नहीं, एम नहीं होगा, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। अब देखो, और डब्लू होगा। अब ये मुगाबे को देख लो, अब जिम्बाब्वे को भी देख लीजिए। जिम्बाब्वे इन मैप, सो पहले तो ये देख लो कि अफ्रीका में जिम्बाब्वे कहाँ पर है, ये देख लिया आपने। अब ठीक है, अब हाँ, दैट इज अफ्रीका का जो लोअर मोस्ट है, दिस इज जिम्बाब्वे, दिखा ठीक है। नाउ प्रेसिडेंट मुगाबे Now, let us see, ये हैं। सो ये बहुत बूढ़े हो गए थे, बट 90 ईयर्स के भी हो गए, लोग बोलते थे अभी इनको हटा देना चाहिए, इन्होंने देश के लिए बहुत किया लेकिन करप्शन बढ़ रहा है, फिर इनको रिस्पेक्टफुली हटा दिया गया। 90 से ऊपर थे, अब इनकी डेथ हो गई है, 2 साल पहले हटाया गया था। Now, अब इनकी डेथ हो गई है, नहीं मतलब जब ये 90 इयर्स के थे तब इनको हटाया गया, 90 इयर्स शासन नहीं किया है, समझ में आई। सो द हिज गवर्नमेंट हैज चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स, ऐसा इन्होंने क्यों किया, हिज गवर्नमेंट हैज चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स। Now, to increase the power of president, to increase, लोग वोट नहीं दे रहे थे और ये पावर अपनी बढ़ाते जा रहे थे, इंक्रीज कुछ ना कुछ चेंज कर देते थे कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर ये आ जाते थे, इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, और उनसे कोई जवाब ना मांगे वो चाहे जो भी करें, ऐसा करते जा रहे थे, तो लोग इससे नाराज हो गए। हाउ कैन यू से दैट मीडिया इज नॉट इंडिपेंडेंट इन जिम्बाब्वे, दैट मीडिया कब इंडिपेंडेंट नहीं होती है, जब उस पर सेंसरशिप होती है, इन जिम्बाब्वे। सो इन जिम्बाब्वे टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, इन जिम्बाब्वे टेलीविजन एंड
रेडियो आर कंट्रोल्ड, गवर्नमेंट ही उनको चलाती है, तो ऐसे में क्या होगा बताओ? उसी के लोग उसमें रहते हैं, ठीक है? नाउ द गवर्नमेंट हरासेस दोज जर्नलिस्ट हु गोज अगेंस्ट इट, द गवर्नमेंट हरासेस उनको परेशान करती है, दोज जर्नलिस्ट उन पत्रकारों को जो उसके खिलाफ बात करते हैं, सो गो अगेंस्ट इट इस तरीके से. नाउ मेंशन एनी टू लिमिटेशंस ऑफ डेमोक्रेसी, कि क्या कमियां हैं. मेंशन एनी टू limitations of democracy. So a democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won the elections. पहली बात, a democratic government को constitutionally चलना पड़ता है. Democratic government can not do whatever it like just because it has won election. ये एक limitation है. इसका मतलब है कि वो चुनाव जीती है, अगर उसे कोई बिल लाना है तो संसद में उसको डिस्कस कराना है, सभी पार्टियों का जवाब देना है. कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकती है, थोड़ा थोड़ा तो कर सकती है, लेकिन जैसे कई कई देशों में बहुत बड़े निर्णय ले लिए जाते हैं, ऐसा कोई निर्णय गवर्नमेंट नहीं दे सकती है. तो ये एक लिमिटेशन है, जस्ट वो जो करना चाहे वो नहीं कर सकती. संवैधानिक अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं उनको देखना है, और एक पैटर्न है, सिस्टम है बिल लाने का और उसके अप्रूवल का, सिर्फ उसी पर ही वो चल सकती है. ठीक है. इन देयर इज ऑलवेज इंटरवेंशन ऑफ अपोजिंग पार्टी ऑल्सो बिकॉज दे डिस्कस द मैटर ऑफ द बिल इन पार्लियामेंट. तो ऐसा नहीं है कि चुपचाप कोई बिल नहीं पास करा सकती है, उसका डिस्कशन होता है, और जब डिस्कशन होगा तो उसके प्रोस एंड कॉन्स सब चीज़ें रेडियो में प्रसारित होती हैं, तो लोगों तक पहुँच जाएंगी कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है. तो इसलिए वो जो चाहे वो नहीं कर सकती कि इलेक्शन जीती. दूसरी बात, इट हैज़ नो रिस्पेक्ट, इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू माइनॉरिटीज़. इसको जो है माइनॉरिटीज़ के हितों का ध्यान रखना पड़ता है. इट हैज़ टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़. ऐसा कोई काम नहीं कर सकती है जो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट हो. तो अगर बड़े लोगों के हित में कोई चीज़ है तो दूसरे देशों में क्या होता है कि 90 लोगों के भले के लिए हो रहा है, इसको खरीद दो. लेकिन अगर 90 लोगों के लिए भले के लिए हो रहा है और कोई चीज़ ऐसी है कि एक मस्जिद टूटनी है, मंदिर टूटनी है, बहुत सारे लोगों का भला हो रहा है रोड के बीच है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं अभी आप इसे नहीं तोड़ सकते, तो फिर नहीं तोड़ पाएगी गवर्नमेंट और सड़क रुकी रहेगी. समझ में आई बात कि नहीं? ये स्क्रीन ब्लर्ड है, जो सही करता हूँ. नाउ अब देखो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना. माइनॉरिटी का देखना पड़ेगा भला, चाहे 90 लोगों का फायदा नहीं सोच सकती, अगर 10 लोगों का नुकसान है, सबका भला हो तभी करना है. गिव एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी,
डेमोक्रेसी क्यों खराब है इस पर एक बात कही है, अगेंस्ट डेमोक्रेसी कुछ बोलो, गिव एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। नाउ लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड्स इनस्टेबिलिटी। एक और बताओ। देखो करप्शन के लिए तो दूसरी पार्टीज हैं, मतलब दूसरी एजेंसियां जैसे NIA है, CBI है, तो करने को तो वो कर सकती हैं, बट स्ट्रेट अवे तो ये नहीं कहा जा सकता। इट लीड्स टू इफ इलेक्शन, एक इलेक्शन का अगर प्रोसेस ऐसा है कि जिसमें पैसा बहुत खर्च हो रहा है तो पार्टी फिर करप्शन करेगी, मतलब इफ कंटेस्टिंग इलेक्शन, इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी के खिलाफ कोई एक वो दो कि डेमोक्रेसी क्यों खराब है। बोलो। ये बात सही है, सो इट लीड्स टू करप्शन। हाँ इसके ये ऐसे कह सकते हो, सो इट लीड्स इनस्टेबिलिटी। हाँ ऐसा भी बता सकते हो, तो कोई भी एक रीजन लिख देना, वो जो भी रीजन्स हैं उनमें से एक आप लिख देना, ठीक है। नाउ हाउ इज द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव्ड इन ए डेमोक्रेसी, हाउ इज द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव्ड इन अ डेमोक्रेसी, तो गवर्नमेंट के जो निर्णय होते हैं वो अच्छे होते हैं। हाउ कैन यू से दिस, व्हेन ए नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर, क्योंकि वहाँ जब संसद में चर्चा होती है, देन इट जो पार्लियामेंट है इट कंटेन्स पार्टीज हु सीक वेलफेयर ऑफ ऑल अदर मेंबर्स, जो दूसरे भी मेंबर्स हैं वो सभी के राइट्स, सभी के राइट्स और वेलफेयर के बारे में देखते हैं, तो इसलिए व्हेन ए नंबर ऑफ पीपल्स, कुछ उसमें माइनॉरिटी ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कुछ मेजॉरिटी ग्रुप के हैं, कुछ किसी कम्युनिटी के हैं, कुछ उसमें रिचर इंस्टीट्यूशन के भी हो सकते हैं जो उनका वेलफेयर देखना चाहते हैं, कुछ पुअरर के हो सकते हैं। सो व्हेन ए नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग एक साथ चर्चा करते हैं किसी मुद्दे पर, नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, डिस्कस ए मैटर टुगेदर, दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स, कि ये लगाने जा रहे हो रूल, ये गड़बड़ी हो सकती है, दे आर एबल टू पॉइंट आउट। Possible mistakes in any decision. So, जो भी decisions लिए जाते हैं वो उसमें able to make कि इसमें क्या क्या कमियाँ हैं, तो जब कोई भी चीज़ चर्चा होती है तो अच्छी भी चीज़ें निकल के आती हैं, ख़राब भी चीज़ें, तो point out कर पाते हैं। This takes time, तो इसलिए डिसीजन इंस्टेंट नहीं होते हैं, एक बिल पास होने में दो दो साल भी लग जाते हैं। अब वुमेंस बिल इतने सालों से लटका हुआ है, तो कई बार ये भी है कि अच्छे बिल भी नहीं आ पाते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारे अच्छे बिल में भी बहुत समय लग जाता है। सो दिस टेक टाइम्स, दिस टेक्स टाइम, कई बार एक सत्र का जो बिल है वो अगले सत्र के लिए चला जाता है, जैसे विंटर सेशन का है वो समर सेशन के लिए, क्या बोलो,
बिल का मतलब है कोई भी एनी लॉ, कोई भी अगर वो चीज़ जो लाया जा रहा है, कुछ भी जो पास होता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट बिल भी हो सकता है। बिल का मतलब एक पेपर पे ऐसी कोई चीज़ लिखी है जो गवर्नमेंट अप्रूव कराना चाहती है, लेकिन उसके लिए सभी पार्टी मेंबर डिस्कशन करते हैं 3 घंटे, कभी मालूम है रात को 2-2 बजे तक डिस्कशन होता रहता है। संसद सुनी है तो भूखे प्यासे लोग बैठे रहते हैं लोगों के हितों के लिए, तो ऐसा होता है, तो इसमें समय लग जाता है, इट टेक्स टाइम, बट रिड्यूसेस द चांस ऑफ इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। लेकिन इससे इट रिड्यूसेस द चांस कि कोई गलत निर्णय नहीं होने पाता, रिड्यूसेस द चांस ऑफ इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। तो ये फ़ायदा है डेमोक्रेसी का कि इसमें जो निर्णय होते हैं वो लोगों के हित के लिए होते हैं। इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। नाउ डेमोक्रेसी इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ पीपल। क्या डेमोक्रेसी में रहने वाले लोगों का विश्व में ज़्यादा सम्मान है? ऐसा आप कह सकते हैं क्या? डेमोक्रेसी इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। कई बार एक एक जो पीपल है या कोई एक पर्सन के लिए पब्लिक लड़ जाती है, जैसे ये कौन है, कुलविंदर यादव है जो वहाँ पर बंद है पाकिस्तान में, उसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ाई चल रही है, तो आप देखिए उसको पाकिस्तान ने सजा दे दी थी, हैं? एक मतलब पाकिस्तान में एक जो भी हमारा उन्होंने पकड़ लिया और बोला कि ये जो है सीक्रेट एजेंट है, एजेंट है, और उसको मौत की सज़ा दे दी। लेकिन इंडिया ने कहा नहीं, उसको मौत की सज़ा क्यों दे रहे हो, और वो इंडियन आर्मी का था, और फिर इंटरनेशनल कोर्ट में उसके खिलाफ लड़ाई चल रही है, और इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि आप मौत की सज़ा नहीं दे सकते हो, और उसको भी अपनी बात रखने का अधिकार है, उसको भी आपको लॉयर देना पड़ेगा। तो डेमोक्रेसी टॉर्चर तो कर ही रहे हैं। सो इट इज़ ए डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, तो इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। एक्सप्लेन नाउ, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। हाँ, ये इसका आंसर है कि ये किस पर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड द पुअरेस्ट, जो भी गरीब से गरीब है, एंड लीस्ट एजुकेटेड पर्सन, हैज द सेम स्टेटस, उसका भी वही स्टेटस है, सेम स्टेटस। दोनों लोग अगर कोर्ट में चले जाएं तो कोर्ट में दोनों का बराबर सम्मान है, एज द रिचेस्ट एंड मोस्ट एजुकेटेड पर्सन। दोनों को कानून की नज़र में एजुकेशन की, धर्म की या इन सब की कुछ भी वो नहीं है। सो एक मिनट, मैं ठीक करता, अभी ठीक हो जाएगी।
नाउ सो जैसा रिचेस्ट का सम्मान है वैसा एक पुअरेस्ट का भी है कानून की नज़र में, एज द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन, तो दोनों को एक ही सम्मान है। सो पीपल आर नॉट सब्जेक्टेड टू ए रूलर, दे आर रूलर देमसेल्व्स। पीपल क्या किसी रूलर के अंडर में होते हैं? आर नॉट सब्जेक्टेड टू अ रूलर बट दे आर रूलर देमसेल्व्स, वे अपना शासनकर्ता खुद चुनते हैं। दे आर रूलर themselves, हमारा काम कौन करेगा उसको हमने चुन के भेजा है। What is representative democracy? Representative democracy क्या होती है? इट इज फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल्स थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। हमेशा मेजॉरिटी ऑफ पीपल अगर रूल करें तो उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। इट इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन विच जहाँ मेजॉरिटी का रूल हो और माइनॉरिटी के कोई रिप्रेजेंटेटिव ही ना पहुंचे। मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल्स, थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, थ्रू देयर, वो वोट देते समय ये ध्यान रखते हैं कि क्या ये मेजॉरिटी का है या माइनॉरिटी का। वोट देते समय वो धर्म का ध्यान रखें, तब कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बन गई। थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो ऐसे केस में मेजॉरिटी का शासन होगा तो उसे क्या कहेंगे? That is ठीक है, तो अपना इसमें ठीक करिए। What is जानू पी एफ? जानू पी एफ क्या है, कहाँ की पार्टी है? It is पॉलिटिकल पार्टी। नाउ इट इज पॉलिटिकल पार्टी, अब देखो सूर्यान सब ठीक हो गया होगा। इट इज पॉलिटिकल पार्टी ऑफ जिम्बाब्वे। ये क्वेश्चन आपको करा दिया गया है, व्हाई इज परवेज मुशर्रफ इज नॉट कॉल्ड ए डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन करा दिया गया है ना, कि परवेज मुशर्रफ का जो शासन था वो डेमोक्रेसी क्यों नहीं कहा गया? लास्ट टाइम पे हमने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया था कि नहीं, तो इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि बिकॉज द रूलर्स वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, और उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स को हटा दिया था। जानू पीएफ पॉलिटिकल पार्टी है, जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पेट्रियाटिक फ्रंट, अभी लिखा है ना थोड़ी देर पर। अच्छा, नाउ द इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, द इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, अच्छा एक मिनट फिर, एक मिनट अब देखो, नेट डाउन होगा, देखो अभी सही है।
सो द इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी इन मैक्सिको नेवर लॉस्ट इलेक्शन, वो कभी चुनाव नहीं हारी टिल 2000 तक नहीं हारी। वाई, इसको एक्सप्लेन करना है क्यों नहीं हारी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। सो अब इसका आंसर देखिए कि द पीआरआई यूज्ड मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन। द पीआर पी आर आई इसका नाम है, द पी आर आई वहाँ का लोकल जो नाम होगा उसके हिसाब से चलता है, यानी इसका कुछ उनका खुद का मैक्सिको का जो देसी नाम होगा ना उसमें इंस्टीट्यूशनल बाद में आता होगा। द इंस्टीट्यूट द पी आर आई यूज्ड मैनी डर्टी ट्रिक्स, हाँ मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। पहला काम तो ये है कि उन्होंने फाउल मीन्स यूज किए। दोज हु आर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड ऑल द मीटिंग हेल्ड बाय पीआरआई। दोज हु आर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैव टू अटेंड ऑल मीटिंग्स ऑफ पीआरआई। जैसे मान लीजिए कोई बैंक में काम करता हो और उसे कह दो कि बीजेपी की मीटिंग हो रही है सरकार की, तुम्हें अटेंड करनी है, तो क्या फिर वो बीजेपी की पॉलिसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो जाएगा? बोलो। मान लो कि अगर कोई भी सब बैंक में काम करने वाले टीचर हैं और उनसे कहा जाए कि तुम्हें सारी बीजेपी की मीटिंग अटेंड करनी है, तो क्या ये अच्छा रहेगा? क्योंकि धीरे धीरे वो उसी पार्टी से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और उन्हें वोट देने लगेंगे, तो ये तो अगेंस्ट डेमोक्रेसी हो गई ना। तो लोगों को वहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं सबको क्या करना पड़ता था, दे हैव टू अटेंड द वहाँ पर जो भी मीटिंग होती थी अटेंड करना पड़ता था। टीचर्स ऑफ स्कूल हैं, उससे अगर आप उनकी मीटिंग अटेंड करोगे तो धीरे धीरे आप उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो जाओगे वहाँ जो बातें बताई जा रही हैं। और तीसरा, टीचर्स को ये फोर्स किया जाता था कि वो बच्चों के पेरेंट्स से कहें कि तुम्हें पीआरआई को ही वोट करना है, ये ठीक है? टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है, यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर पीआरआई। एक तरीके से प्रेशर जनरेट करना है बस, और कोई बात नहीं है। और इसके अलावा पॉलिटिकल बूथ वर शिफ्ट, दैट इज इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। और कभी कभी ऐसा भी किया जाता था ये जो पोलिंग बूथ है शिफ्टेड फ्रॉम होना चाहिए वैसे ही है, तो पोलिंग बूथ जहाँ चुनाव होते हैं, पोलिंग बूथ वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पोलिंग बूथ को ही उठा के ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह इन द लास्ट मिनट। क्या कहाँ पे बने, हाँ वर शिफ्टेड जो पोलिंग बूथ है ना जिसमें चुनाव मत पेटी होती है, उसको अगर कोई एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाए मूवेबल है, तो क्या लोग
देखते थे, बट जैसे यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग होती सब कुछ होता है, उठा के ले जाते थे कि अब तुम लोग चलो वहाँ वोट डालेंगे। तो लोगों को फिर क्या होता था, विच मेड इट डिफ़िकल्ट, लास्ट मिनट में ऐसा करते थे कि ये अब यहाँ नहीं होगा वहाँ पर होगा, विच मेड डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट वोट। पहले बताया यहाँ पर वोट डाले जाएंगे और फिर अचानक अंतिम दिन बोल दिया नहीं वहाँ डाले जाएंगे। डिफ़िकल्ट टू कास्ट वोट, उन्हें पता ही नहीं रहता था कहाँ वोट डाले जा रहे हैं। तो ये भी किया गया, ठीक है। इट हैज़ ए इट, इसके जो कंटेस्टेंट थे, तो PRI कंटेस्टेंट, प्रतिद्वंदी जो चुनाव लड़ते हैं, सो कंटेस्टेंट यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, तो टू विन इलेक्शन, तो बहुत सारा पैसा लगा देते थे इलेक्शन जीतने के लिए, टू विन इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन रैली, तो मतलब फॉर कैंपेनिंग, चुनाव प्रचार, कैंपेनिंग को क्या कहते हैं, तो चुनाव प्रचार में अगर ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो क्या होगा कि मीडिया से क्या कहा जाता था, मीडिया लार्जली इग्नोर्स द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पार्टी, वो सिर्फ किसकी न्यूज़ दिखाती थी, मीडिया इज आस्क्ड टू शो न्यूज़ ऑफ PRI ड्यूरिंग इलेक्शंस। अगर इलेक्शंस में सिर्फ PRI के बारे में लोगों को बताएगी तो दूसरे के बारे में कैसे पता चलेगा लोगों को, तो इन वजहों से ये PRI जीतती रही। नाउ क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मेंशन 3 इंस्टेंसेज विच आर एक्सेप्शंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ 1 person 1 vote 1 value, या वॉट डज 1 person 1 vote 1 value मीन, नेम द कंट्रीज वेयर सिटीजन डू नॉट एंजॉय दिस राइट। वॉट डज 1 person 1 vote, 1 person 1 mat, वोट का मतलब मत होता है, एंड 1 value और उसकी 1 कीमत मीन, इसका मतलब क्या है, 1 person 1 vote 1 value मीन। सो नेम द कंट्रीज जहाँ के सिटीजन को ये अधिकार प्राप्त नहीं है, नेम द कंट्रीज वेयर सिटीजन्स Do not enjoy right to vote. बोलो चाइना, फिजी भी है, फिजी भी है, चाइना, सऊदी अरेबिया में भी सबको इक्वल नहीं, वीमेन को नहीं होता है। सो नाउ इसका आंसर क्या है, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी इज बेस्ड, सब पॉलिटिकल इक्वल है। अगर अनुराग ये चाहे कि आगे हमें प्रेसिडेंट बनना है और उसके लिए अभी से सोचने लग जाए, तो क्या ये जो डेमोक्रेसी इसको अलाउ करेगी कि ये प्रेसिडेंट बन जाए, या ये कहेगी नहीं तुम इस धर्म के हो, इस जाति के हो, तुम प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, ऐसा बोल सकती है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल, तो ये किस पर बेस्ड है, ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल, किस फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। ठीक है, इन ए डेमोक्रेसी ईच
सिटीजन, जो ईच एडल्ट सिटीजन है कैन कास्ट वन वोट एंड देयर वैल्यूज आर इक्वल, जो उनका वेटेज है, एंड ऑल वोट्स हैव इक्वल वेटेज, कि जैसे फिजी की तरह तो नहीं है कि किसी का जो वहाँ के नेटिव है उनका ज़्यादा वेटेज है और जो इंडियन फिजियन है उनका कम है, ऐसा इंडिया में तो नहीं है। वेटेज तो सबका एक ही कीमत है, इक्वल वैल्यू, इक्वल वेटेज का मतलब है इक्वल वैल्यू, ये चीज़ है। बट देयर आर मैनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट ऑफ वोट, लेकिन कई जगह कई देशों में इनका उल्लंघन भी हुआ है। बट देयर आर मैनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट, जैसे पहला इसमें नाम आता है सऊदी अरेबिया। इन सऊदी अरेबिया वीमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। इन सऊदी अरेबिया आप लोग जानते हैं कहाँ है? इन सऊदी अरेबिया वुमेन्स जस्ट अफ्रीका के ठीक ऊपर है। सो सऊदी अरेबिया इन मैप, जस्ट सी कि सऊदी अरेबिया कहाँ पड़ता है। ये देखो, ये है सऊदी अरेबिया, वर्ल्ड मैप में आप देख रहे हैं अफ्रीका के ठीक ऊपर है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है एस्टोनिया। तो एस्टोनिया कहाँ पड़ता है मैप में? एस्टोनिया इन मैप, सो लेट अस सी कि एस्टोनिया कहाँ पर है। ये देखो, ये जो यूरोप है, तो यूरोप में ये ऊपर का हिस्सा दिख रहा है आपको, जहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, ये यूनाइटेड किंगडम है, मालूम है? और उसी के नीचे क्या पड़ता है? एस्टोनिया। तो ये जो रेड कलर का है, दैट इज एस्टोनिया। समझ में आ गई बात? सो दिस इज एस्टोनिया। अच्छा, अब सऊदी अरेबिया में क्या है? इन सऊदी अरेबिया वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। हैव द राइट टू वोट। नेक्स्ट इज इन एस्टोनिया। एस्टोनिया भी हमने आपको दिखाया है, याद है कहाँ दिखाया है? इन एस्टोनिया इसमें पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट, हैव नो राइट टू वोट। जो रशियन लोग वहाँ रहते हैं उनको कोई राइट टू वोट नहीं है। पीपल हु बिलोंग, किसी भी कंट्री में दूसरे देश के भी लोग रहते हैं, सब जगह फ्रांस में कहीं के रहते हैं, वो जाके वहीं बस जाते हैं। तो इस तरीके से जो रशियन माइनॉरिटी है या रशियन लैंग्वेज बोलते हैं, रशियन माइनॉरिटी, जैसे आप ये देखो ना कि हमारे यहाँ भी तमिल रहते हैं और श्रीलंका में भी तमिल नहीं रहते हैं, देश बट जाते हैं, लेकिन वहाँ के तमिल क्या माइनॉरिटी नहीं है? बिलोंग टू रशियन माइनॉरिटी, हैव नो राइट टू वोट। वो शुरू से वहाँ रह रहे हैं लेकिन अभी वो माइनॉरिटी में है। तो अगर वहाँ पर सिंगली को वोट नहीं, ये तमिल को वोट नहीं डालने दिया जाएगा श्रीलंका में, तो क्या होगा? क्या वो आतंकवादी बन जाएंगे? और उनको कोई नौकरी भी नहीं दी जा रही है। अच्छा, फिजी में क्या है? इन फिजी राइट तो सभी को दिया गया है, ठीक है, वोट ऑफ इंडिजीनियस फिजी हैज मोर द वोट ऑफ नेटिव फिजियन।
जो फिजी का है, नेटिव फिजियन, नेटिव का मतलब वहीं का रहने वाला, उसको इंडिजीनियस कहते हैं कि देसी। इंडिजीनियस कहीं का है, का मतलब वहीं का रहने वाला फिजियन। उसके वोट की हैज़ मोर वैल्यू देन एनी अदर फिजियन। वैसे तो लिखना चाहिए एनी अदर फिजियन देन इंडियन फिजियन, हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इंडिया के लोग हैं, तो इंडिया के लोग भी वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, 30% इंडिया के लोग हैं। इंडिया के लोग किसी भी कंट्री में 16-20% हैं ही, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही 1/6 है, तो हमारे बहुत सारे लोग सभी देशों में हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चाइना में कम है, चाइना में कम है। क्या फिजियन? तो इंडिजीनियस फिजियन के वोट की कम वैल्यू। कल क्लास नहीं होगी, पर्स जेड है फिजी में, क्या आता है जे होना चाहिए, जे कर दो, जे होगा सभी जगह, जे परसों वाइवा होगा, कल 8 घंटे का कल कुछ नहीं है, कल उन लोगों का 8 घंटे का वाइवा है ना 10th वालों का, तो कल इसीलिए क्लास नहीं होगी क्योंकि पूरा दिन उनका वाइवा चलेगा। ओके, इतना ही है।